हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है नवमी एंड हमारे यहाँ पे मतलब ससुराल में नवमी की मतलब नवमी को माता पूजती हैं। एंड मैं तो नहीं करती हूँ सच कुछ, मम्मी जी करती हैं। सो ओमी का देखो क्वीन बनी घूम रही हैं, अभी मैं दिखाती हूँ। ओमी इधर आओ, कौन हो आप? मैं क्वीन हूँ। अच्छा, किसकी क्वीन हो आप? आप मम्मा की प्रिंसेस हो। तो इनको कल रात से शौक चढ़ रहा था, सोते समय कह रही थी मम्मा क्वीन बनना है, क्वीन बनना है। तो मैंने कहा चलो कल बना दूंगी। तो अभी नहा धो के आए तो इनको बोली कि मम्मा क्वीन बना दो, तो इसको ये लगा दिया है टियारा, फोटोशूट में खरीदा था। एंड अभी मुझे करना है पूजा, बहुत सारा काम है आज। मतलब अभी मुझे हवन करना है क्योंकि मैंने जलाई हुई थी अखंड ज्योति, तो मुझे उसका हवन करना है, पूजा करनी है देवी जी की। एंड उसके बाद शाम को मैं सोच रही हूँ कन्याओं को यू नो कुछ दान पुण्य कर दूँगी। एंड अच्छा माना जाता है। एंड मैं मतलब हर साल कोशिश करती हूँ मैं कर दूँ, बट जब कभी ऐसा वैसा होता है, कभी तबीयत ठीक ठीक नहीं होती है या कभी कुछ रीज़न हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ये मौसम ऐसे बदलता है ना, तो हमेशा ही देखो अभी भी हम लोग बीमार हो चुके हैं, पहले ही हो चुके हैं। बट लास्ट ईयर आई थिंक मैं मतलब नवरात्र के टाइम पे बीमार हो गई थी, तो कभी कभी नहीं हो पाता है। बट या जब जैसा कर पाओ वैसा कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। जब जैसा मन में आए, तो जब नवरात्र शुरू हुई थी, मैं अखंड ज्योत वगैरह हर साल नहीं जलाती हूँ, जब नवरात्र शुरू हुई थी तो पहले दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ तो ऐसा कर नहीं पाती हूँ, तो मैं क्यों ना अखंड ज्योति जला दूँ भगवान जी के लिए। एंड रखी थी अखंड ज्योति, छोटी सी थी वो, तो मैंने वो उसी को जला दिया था। फिर नेक्स्ट डे महेंद्र बड़ी सी लाए थे, क्योंकि तो उसमें बार बार घी डालना होता है ना, तो बड़ी सी रखो ना तो वो लंबे समय तक उसका घी चलता है। छोटी सी थी तो उसमें हर घंटे में घी डालना पड़ रहा था। तो यही चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो भगवान के लिए एंड मतलब अपने मन को शांति देती हैं और कुछ नहीं। ऐसा करने से यू नो जो मन में आए, मेरा ये मानना है, मेरे मन में जो आता है एकदम से कोई चीज़ आ जाती है एंड मैं उसको कर सकती हूँ, मेरे बस की अगर है तो मैं उसको कर लेती हूँ। मैं ये नहीं सोचती, मतलब मन नहीं मारती हूँ मैं अपना। तो यही सोचा है मैंने, मैं नवरात्र को मेरे यहाँ पे जो कॉलोनी में मंदिर है वहाँ देवी जी हैं, वहाँ उनको यू नो सुहाग का सामान या उनके उनको लहंगा चुनरी वगैरह होती है भगवान जी की वो चढ़ाऊंगी। एंड कन्याओं को थोड़ा सा दान पुण्य कर लूंगी। एक मिली ये भी कन्या रहेगी देवी जी। सो या सबको हैप्पी नवरात्र मेरी तरफ से। एंड या कल दशहरा है, सो लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पड़ोस में एक बच्चे लोग हैं, वो बनाते हैं दशहरा, जलाते हैं। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं त्यौहार में छोटी छोटी सी, जो कि बड़ी खुशी देती है दिल को। एंड हमारे यहाँ पे मतलब मायके में तो और भी ज़्यादा मज़ा आती है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना कुछ नहीं हो पाता है। सो या जितना हो पाता है उतना ही ठीक है। हमारे यहाँ मंदिर में जो है वहाँ पे भी देवी जी बैठी हुई हैं, तो शाम को जाऊँगी मैं, आपको दिखाऊँगी। एंड यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी है। आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, मतलब ओमिका को लेके। वैसे ओमिका ठीक है, बट थोड़ी बहुत सुबह सुबह को खांसी उसको आ रही है एंड कुछ खाने पीने के बाद आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार और डॉक्टर से यू नो सजेशन ले लूँ, एंड हो सकता है वो कोई और दवा वगैरह दे तो उसके लिए। तो मे बी मैं आज थर्सडे है एंड दूसरी चीज़ मुझे बहुत सारे काम भी हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं जाऊं या ना जाऊं, लेट्स सी। अभी पता नहीं है, मतलब मेरा मन भी बदल सकता है। मैं सोचूं मैं कल जाऊं तो कल दशहरा है, बहुत सारी कंफ्यूजन है दिमाग में। सो लेट्स सी क्या करती हूं मैं। फ़िलहाल मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूं, मैं जा रही हूं पूजा करने के लिए, तो आप लोगों को दिखाती हूं। एंड या आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए दें प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। बाय बाय। रही हूँ एक एक पॉलीथिन में, एक एक मैंने एक बिस्किट का पैकेट, एक यू नो टेढ़े मेढ़े एंड दो दो केला एंड रुपए यही सब
दिया था, तो वही सब मैं अलग अलग करके रख रही थी ताकि बस वहाँ पे मंदिर पे जाके मैं अलग अलग वो निकाल निकाल के बच्चों को दे दूँ एंड खर्च कर लूँ उनके पास आशीर्वाद ले लूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरी तरीके से देवी जी तैयार हो जाएंगे फिर। ओके बंद किया मादा ओमी ओमी बंद किया मादा। मैं यहाँ मंदिर पे बैठी हूँ मुझे कन्या नहीं मिल रही है। फिर तुम चम्मच लाई क्या कर रही हो इससे दो इधर। ओके तो मेरी कन्याएं पूरी हो गई हैं लाइक टोटल 12 ओमिका को मिला के एंड मतलब 11 कन्या एक लंगूर यानी कि लड़का होता है। बहुत तंग करती है बहुत भगाती है। आओ कीड़े मकूड़े बैठे होंगे सब नौटंकी करती हो। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे ओमिका सबसे बाय करते हुए जा रही है नए नए लड़के लड़कियां सब जो भर्ती हुए हैं जो भी निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए सबसे बाय कर रही है। देखना अभी मैं आपको दिखाती हूँ मतलब ओमी जिसको जानती हो उससे भी बाय जिसको नहीं जानती हो उससे भी बाय। देखो गाड़ी आ रही है साइड में हो जाओ इधर। के पहले इतने सारे लोग निकले सबसे ओमिका ने बाय की हे भगवान। ओमी लो ये आपके लिए आपका है ठीक है ठीक है। खुश रहो।